हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो का टॉपिक है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो आपका लेसन है इंग्लिश प्रोज का, जिसका टाइटल है द होम कमिंग, जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्लास 12 का ये लेसन है। इस लेसन के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो में, उनको कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, लिखा है हु वाज फटिक, फटिक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा फटिक वाज 14 ईयर्स ओल्ड बॉय, फटिक 14 वर्ष का एक लड़का था। ही वाज रिंग लीडर, वह रिंग लीडर था, या कह सकते हैं मुखिया था, ऑफ द नॉटी बॉयज, शरारती लड़कों का, वह शरारती लड़कों का मुखिया था। चाहे तो और लिख सकते हैं इतना, ऑफ हिज विलेज, चाहे तो इतना और जोड़ दें कि वह अपने गांव के सभी लड़कों का मुखिया था। यह है पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, व्हाट वाज न्यू मिस्चीफ ही थॉट ऑफ, उसने एक नई कौन सी शरारत के बारे में विचार किया? तो ही प्लान्ड, उसने प्लान बनाया टू रोल, लुढ़काने का, अबे द लॉग होता है लट्ठा, और काय का लट्ठा, ऑफ वुड, लकड़ी का, इन टू द रिवर, नदी में। एक दिन उसने नदी में एक लकड़ी के बहुत बड़े लट्ठे को लुढ़काने का प्लान बनाया। ये एक क्वेश्चन ये हो गया, एक ये दो क्वेश्चन हो गए। ये मोस्ट शॉर्ट हैं, शॉर्ट तो हैं लेकिन मोस्ट शॉर्ट कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हैं। उसके बाद आते हैं ये लिखा है, वो तो दो मोस्ट शॉर्ट थे, यहाँ से है क्वेश्चन का क्रम ना देखें आप, मैं बता रहा हूँ ये कि ये पहला क्वेश्चन है, तो आगे चल के उसका क्रम थोड़ा गलत भी होगा। हाउ डज फटिक फील, फटिक ने फील कैसा किया? बहन ही इज एट कलकत्ता, मतलब ये डज है, तो जब फटिक कलकत्ता में है तब वह कैसा फील करता है? तो आंसर है ही डज नॉट फील, वह फील नहीं करता है हैप्पी, प्रसन्न, वह प्रसन्नता महसूस नहीं करता है, वह अपने आप को प्रसन्न महसूस नहीं करता है। हिज आंट, उसकी मामी बाज थी नॉट हैप्पी, प्रसन्न नहीं थी, टू सी हिम, उसे देखकर, उसे देखकर उसकी मामी भी उससे प्रसन्न नहीं थी। सी वह स्कोल्ड्स, डांटती हैं, हिम उसे, ऑन लॉसिंग, खोने पर, बुक किताब, किताब खोने पर उसकी मौसी उसके लिए फटकारती हैं। ही वह इज है द मोस्ट, सबसे अधिक बैकवर्ड, पिछला बॉय, लड़का, इन द स्कूल, स्कूल में, और वह स्कूल में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ लड़का है। ही फील्स वेरी सैड, वह बहुत दुखी महसूस करता है, वह अपने आप को बहुत दुखी महसूस करता है। ये है इसका पहला क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है लिखा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाई डज बिसाम्बर वांट टू टेक फटिक टू कलकत्ता, वाई क्यों डज फटिक वांट चाहता है टू टेक ले जाना फटिक के लिए टू कलकत्ता, फटिक के लिए बिसाम्बर कलकत्ता क्यों ले जाना चाहता है? तो इसका आंसर है फटिक इज नॉटी बॉय, फटिक इज अ नॉटी बॉय, फटिक एक शरारती लड़का है। ही इज द रिंग लीडर, वह मुखिया है ऑफ द बॉयज, लड़कों का, वह सभी लड़कों का मुखिया है, रिंग लीडर है। हिज मदर, उसकी माँ, इज हैं, आलवेज, सदैव, एंग्री, नाराज, विदिन, उससे, उसकी माँ सदैव उससे नाराज रहती हैं। सो इसलिए बिसाम्बर वांट्स, चाहता है टू हेल्प हिज सिस्टर, इसलिए बिसाम्बर अपनी बहन की सहायता करना चाहता है। कैसे? क्योंकि शरारती लड़का है, जब वो उसे अपने साथ ले जाएंगे तो शरारत करने के लिए यहाँ रहेगा नहीं। तो ये था इसका सेकेंड क्वेश्चन। आगे आता है क्वेश्चन नंबर थ्री, ये आ गया क्वेश्चन नंबर थ्री। तो लिखा है हु कौन इज है रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार फॉर फटिक्स, फटिक की डेथ, मृत्यु के लिए, फटिक की मृत्यु के लिए जिम्मेदार कौन है? तो हिज मदर, उसकी माँ, हिज अंकल, उसके मामा, एंड हिज आंट, उसकी मामी, आर हैं रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार हैं फॉर के लिए, फटिक्स डेथ, फटिक की मृत्यु के लिए, मतलब उसकी माँ और उसके मामा और उसकी मामी,
ये तीनों उसकी मौत के जिम्मेदार हैं। हिज मदर उसकी माँ इज ऑलवेज सदैव हैं एंग्री नाराज विद हिम उससे, उसकी माँ सदैव उससे नाराज रहती हैं। हिज आंट उसकी मामी इज आल्सो नॉट हैप्पी, वे भी प्रसन्न नहीं हैं टू सी हिम उसे देखकर, उसकी मामी भी उसे देखकर प्रसन्न नहीं होती हैं। बिसाम्बर डज नॉट रियलाइज, बिसाम्बर रियलाइज नहीं करता है, नहीं समझता है दैट कि ही कुड नॉट लिव, कि वह नहीं रह सकता विदाउट हिज मदर अपनी माता के बिना, और बिसाम्बर इस बात को नहीं समझता है कि वह अपनी माता के बिना नहीं रह सकता। तो क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन ये था कि फटिक की मृत्यु का जिम्मेदार कौन है, तो आंसर है उसकी माँ, उसके मामा और उसकी मामी उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हैं। उसकी माँ सदैव उससे नाराज रहती हैं, उसकी मामी उसे देखकर प्रसन्न नहीं हुई या उससे मिलकर प्रसन्न नहीं हुई, बिसाम्बर इस बात को नहीं समझता है कि वह अपनी माता के बिना नहीं रह सकता। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्रम अब अगला क्वेश्चन आ गया, वैसे कौन सा ही क्वेश्चन नंबर 4। गिव दीजिए अ पेन पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट होता है तस्वीर और फटिक ये और लिखा है पेन, तो पेन पोर्ट्रेट चित्रण कीजिए, फटिक फटिक का चित्रण कीजिए, फटिक के बारे में कुछ लिखिए। तो फटिक वाज अ 14 ईयर्स ओल्ड बॉय, फटिक एक 14 वर्ष का लड़का था। ही वाज वेरी नॉटी, वह बहुत शरारती था। ही वाज रिंग लीडर, वह मुखिया था ऑफ द नॉटी बॉयज, वह सभी शरारती लड़कों का मुखिया था। ही डज नॉट लाइक, वह पसंद नहीं करता है माखन, वह माखन को पसंद नहीं करता है। नोबडी लाइक्ड हिम, उसे कोई पसंद नहीं करता था। बट लेकिन ही वाज नॉट बैड बाई हार्ट, लेकिन वह दिल से बुरा नहीं था या दिल का बुरा नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि फटिक एक 14 वर्ष का लड़का था, वह शरारती था, वह गांव के लड़कों का मुखिया था, वह माखन को पसंद नहीं करता था, कोई उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन वह दिल का बुरा नहीं था। उसके बाद है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यह है डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए द क्वरल, झगड़ा बिटवीन फटिक एंड माखन, फटिक और माखन के बीच जो झगड़ा हुआ उसको वर्णन कीजिए। वन डे, आंसर इसका हो जाएगा कि वन डे एक दिन फटिक ने प्लान बनाया टू रोल्ड, ये रोल होगा ईडी नहीं है, लुढ़काने का अवे अ लॉग लकड़ी का लट्ठा इनटू द रिवर, नदी में। एक दिन फटिक ने बहुत बड़े लकड़ी के लट्ठे को नदी में गिराने का प्लान बनाया। माखन बाज था, सिटिंग बैठा हुआ था ऑन द लॉग लट्ठे पर, माखन उसी लट्ठे पर बैठा हुआ था। ही रिफ्यूज, उसने मना कर दिया टू ओबे, आज्ञा मानने से फटिक, उसने फटिक की आज्ञा मानने से मना कर दिया। फटिक एंड वॉयज, फटिक और जो दूसरे लड़के थे रोल्ड द लॉग, लट्ठे को लुका दिया, एंड माखन और माखन को ओवर टू द साथ साथ, माखन किक्ड फटिक, माखन ने फटिक के लात मारी। ही बेंट होम क्रैंग, और वह चिल्लाता हुआ घर चला गया। इसके आंसर भी ध्यान रखें, ये रोल्ड है, ये रोल्ड नहीं होगा, केवल क्या हो जाएगा रोल, क्योंकि जब आ गया किसी वर्ब के पहले टू, तो टू के बाद जब भी आती है तो आती है उसकी फर्स्ट फॉर्म, इसलिए यहाँ रोल नहीं होगा, क्या हो जाएगा रोल। उसके बाद ये थे आपके सभी शॉर्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला ये था पांचवा कि डिस्क्राइब कीजिए फटिक और उनके झगड़े को। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।